हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक, वेलकम टू द HST10 शॉपिंग डे। ये शॉपिंग डे मैं स्पेसिफिकली इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोग हमेशा से पूछते थे ना कि सर मैं इंडिया में रहता हूँ, शॉपिंग कैसे करूँ, ये फूड जो आप दिखा रहे हो अपने मील्स में तो मिलते ही नहीं है यहाँ पे। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इंडिया में सब कुछ मिलता है, कैसे आपको शॉपिंग करनी है, कौन से वेजिटेबल्स फ्रूट्स कहाँ से कैसे लेने हैं, रॉ ऑथेंटिक किस तरीके से आप सेलेक्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। कार्बोहाइड्रेट फूड सोर्सेज को कैसे सेलेक्ट करना है, साथ ही साथ आपके प्रोटीन फूड सोर्सेज कहाँ से कैसे आप खरीद सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो आज थोड़ा सा ब्लॉग टाइप होने वाला है, बहुत ही रॉ अनएडिटेड, थोड़ा सा एडिटिंग करनी पड़ेगी, म्यूज़िक डालना पड़ेगा, बट बहुत ही ऑथेंटिक होने वाला है कि इंडिया में किस तरीके से आप ये सब कर पाएँ। और मेरी कोशिश यही है कि आप सब लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देना कि HST10 एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसमें डाइट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अगर आपका डाइट ठीक नहीं है, फूड्स इंटेक सही नहीं है, न्यूट्रिशनल सुपर फूड्स आप नहीं ले रहे हो, तो आप हैंडल नहीं कर पाएंगे इस तरह की इंटेंसिटी ऑफ वर्कआउट को, और जो रिज़ल्ट आप इसमें ढूंढ रहे हैं वो शायद आपको नहीं मिलेंगे। सो बने रहिए मेरे साथ, लेट्स सी के इंडिया में क्या क्या मिलता है, और आप लोग सरप्राइज हो जाएंगे, मैं आपको ऐसी ऐसी जगह ले जाऊँगा। ऑलराइट, लेट्स गो। ओके गाइस, सो हम लोग अभी वेजिटेबल फ्रूट मार्केट में है यहाँ पे, चलिए आज यहाँ से आते हैं। एक हरी वाली गोभी आती है ना, ब्रोकली, इधर नहीं मिलेगी यहाँ पे, ब्रोकली नहीं मिलेगी। सो ब्रोकली तो यहाँ पे मिली नहीं हमें, बट दूसरे मार्केट में जाते हैं। फ्रूट्स वगैरह सारे अवेलेबल थे, बट ब्रोकली सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमारे जितने भी वेजिटेबल्स बनेंगे उसमें एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हमारा ब्रोकली है। ये हरी वाली गोभी नहीं आती है, ब्रोकली कहते हैं जिसको, ब्रोकली, ब्रोकली, चलो मिल गई ब्रोकली। लेमन बहुत इम्पॉर्टेंट, ठीक है, दो चार ये ले लेते हैं, खीरे वगैरह भी हैं, सो वी कैन टेक दीज वंस। ओके, सो फ्रूट मार्केट में, वेजिटेबल मार्केट में फाइनली ब्रोकली हमें मिल गई है। ग्लासेस उतार के देखना पड़ेगा, हाँ ये ठीक है। ओके, सो ये कैप्सिकम वगैरह, बेल पेपर अलग अलग भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, तो मैं कुछ ले जाता हूँ, बहुत टेस्टी होते हैं, कुछ ग्रीन भी ले जाते हैं, राइट, ध्यान से लेना है, ये सारी चीज़ें नहीं लेनी। या दिस वन, चलो भैया अब हमें भी कुछ दे दो यार। इसमें और इसमें क्या प्राइस में क्या फर्क है ये भी बताना। में ये 40 रुपीस टू 50 ग्राम, 250 ग्राम 40 रुपए का, और ये हरे वाला 20 रुपीस टू 50 ग्राम, मतलब 20, मतलब ऑलमोस्ट डबल है। सो कैप्सिकम, बेल पेपर आप ले सकते हो अलग अलग कर, एग्जैक्टली डबल प्राइस में आपको मिलेगा, लेकिन दोनों होने चाहिए आपके पास कभी कभी, यू नो, मिक्स एंड मैच करने के लिए। सो ये यहाँ पे लें, ब्रोकली का प्राइस क्या है यार भाई? ₹60 to 50 ग्राम 60 रुपए का, मतलब इट्स डिसेंट प्राइस यार। अब कहीं दूसरे मार्केट में आप जाओगे आउट ऑफ इंडिया तो ये बहुत महंगा मिलेगा आपको ब्रोकली। क्यूकम्बर्स, ये इसका क्या प्राइस है? ₹60 1 kg यार, प्राइस सही लगाना, ये क्रॉस चेक होगा तो मुझे भी, मेरे साथ तुमको भी गालियाँ पड़ेंगी। ₹50 per kg ये यहाँ पे मुझे मिल रहा है मार्केट में। स्वीट पोटैटो, वेरी गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और सैलेड के लिए हम यहाँ पे कैरेट्स भी ले रहे हैं, और ये नींबू फ्री में मिलते हैं इसके साथ। ओके, सो सम पीपल कॉल इट यम्स, स्वीट पोटैटो, जैसा भी आपको जो भी ब्रीड मिल जाए वो आप ले लो, वेरी गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसको ध्यान रखना, बेक नहीं करना है, बॉयल करना है। अच्छा, अदरक, एंटी इन्फ्लेमेटरी बहुत ज़रूरी है। ओके, सो ये एक अच्छा यू नो वेजिटेबल है जो आप एज अ सैलड इस्तेमाल कर सकते हो, यू नो, तो हम ये भी ले लेंगे। तो ये ले रहे हैं अभी, ये यहाँ पे मिलेगा नहीं वैसे और मार्केट में, आपको दिख गया मुझे तो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे रेड कैबेज, अच्छा रहता है सैलेड, ऐसा सैलेड। ये शिवा भाई की तरफ से गिफ्ट है, मैं थोड़ी सी मिर्ची तो मैं बिना पूछे ले ले रहा हूँ। ओके शिवा भाई, अभी तो कहा था यार 500 देना आपने, अभी बोला था ना, ये देखो
इनको भी याद है। बनाना ले यहाँ से 20 के 6, 20 के 7। सही, मैं मजाक नहीं कर रहा, 20 के 8 लिए थे मैंने कल, इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं दे दो, अब आप अपने हिसाब से दे दो। अरे यार ड्रैगन फ्रूट भी है यहाँ पे, तो 60 रुपये एक लाओ, खिलाओ यार एक। अच्छा एप्पल कैसे दिए? 100 का 10 दिए। 100 का 10 पीस 100 रुपये के एप्पल, 100 रुपये के 10। इसीलिए बड़े मार्केट में आते हो ना तो आपको चीज़ें सस्ती मिलती हैं। एक काम करते हैं, हम पाइनएप्पल भी लेते हैं, इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। अभी सुजीत हमें यहाँ पे इसको कलाकारी करके इसको छिल के दिखाएंगे। ओके सो सारी चीज़ें हो गई हैं, दैट्स इट, वी ऑलमोस्ट डन विद द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ओके गाइस, सो हम एक स्टोर में पहुंचे हुए हैं। कुछ चीज़ें हैं जो इंडिया में हर जगह नहीं मिलती, जैसे कि बेरीज़ वगैरह या फ्रोज़न जो आपको फूड लेना होता है, तो कुछ जगहें होती हैं, यहाँ मैंने ढूंढ ली, जहाँ चाह वहाँ रहा कहते हैं इसे। चलिए आइए। राइट नाउ अभी मैं जो ढूंढ रहा हूँ वो है हमारा फ्रोज़न फिश वगैरह, फ्रोज़न बेरीज़। अक्सर मार्केट में नहीं मिलता, तो कुछ जगह हैं जहाँ पर मिल जाती है। सो जैसा कि इस प्रोग्राम में मैंने आपको बोला है कि जो फ़िश वगैरह आप लेंगे वो वाइट फ़िश, क्योंकि ये लीन मसल प्रोग्राम है और लीन मसल प्रोग्राम में हमारी कोशिश ये है कि फैट जो है ज़्यादा हम नहीं इंटेक लेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ा सा लिमिटेड रहेंगे, इवन दो कैलोरी डेफिसिट में नहीं है हम, बट मेंटेनेंस लेवल पे भी हमें जो कंज्यूम करना है उसमें भी सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। सो बासा मेरी हमेशा से चॉइस रहती है वाइट फ़िश में। एक मैं सैल्मन ले लेता हूँ यहाँ पे फॉर संडेज़, यूजुअली संडेज़ या सैटरडेज़ को वीकेंड में सैल्मन विद ब्रोकली एंड ऑल, वो अच्छा रहता है एक आपका कॉम्बिनेशन। इफ़ यू चेक देयर इज़ ओनली बासा इंग्रेडिएंट्स में, आपका थोड़ा बहुत वाटर वगैरह है, मॉइस्चर एजेंट्स वगैरह है इसको प्रिजर्व करने के लिए, नथिंग एल्स। दिस इज़ द ब्लूबेरीज़। इंडिया में ये डेलिश करके एक ब्रांड आती है कॉनोजेयर्स की, तो ब्लूबेरीज़ आपको मिल जाएंगी। अदर फ्लेवर्स भी हैं इसमें, यू नो स्ट्रॉबेरी वगैरह, इवन दे हैव दी मिक्स फ्रूट। तो अभी फ़िलहाल मुझे ब्लूबेरी ही चाहिए, तो मैं ब्लूबेरी यहाँ पे ले रहा हूँ। डिप्स वगैरह बहुत ही अच्छे रहते हैं, स्पेशली जब आप इस तरह का प्रोग्राम फॉलो कर रहे होते हैं, तो फैट फ्री डिप्स भी आते हैं, जैसे ये देख सकते हैं आप, ज़ीरो फैट लिखा हुआ आगे, बट अगेन इंग्रेडिएंट्स चेक करना बहुत ज़रूरी है, इंग्रेडिएंट्स करेक्ट। न्यूट्रिशन लेवल जब आप चेक करेंगे तो एक्चुअली फैट परसेंटेज यहाँ पे 0.12, विच इज़ नथिंग, ऑलमोस्ट नथिंग। तो आप ये डिप ले सकते हो, ये स्वीट चिली सॉस ले सकते हो, जो यू नो आपके चिकन एंड राइस के साथ ले सकते हो, आप ऑलरेडी गॉट दिस वन। इस शॉप में लाने का आपको पर्पज़ ये था कि आप हमेशा से कंप्लेन करते हैं कि इंडिया में, सर आप मेलबर्न में रहते हो, इंडिया में तो कुछ नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है, हर शहर में, ठीक ठाक शहर में आपको इस तरह के शॉप मिलेंगे जहाँ पे क्वालिटी स्टफ़ आपको मिलेगा जो यूजुअल मार्केट में आपको नहीं मिलता। ये अपने ढूंढने वाली बात है। एपिगैमिया करके ब्रांड है यहाँ पे, ग्रीक योगर्ट नेचुरल, लेट्स से इट्स इज नो शुगर एडेड। मैं हमेशा बताता हूँ कि डार्क चॉकलेट वगैरह आप कंज्यूम कर सकते हो व्हेन स्पेशली यू नो डाइट, 85% मैक्सिमम यहाँ पे वाला है, जस्ट किल्स योर क्रेविंग्स। मतलब आपको रात को डिनर करने के बाद मीठा खाने का मन कर रहा है, तो छोटा सा इसका स्लाइस आपने लिया 10 ग्राम्स का, दैट्स इट, आपकी वो क्रेविंग खत्म हो जाएगी। अगेन गाइस, बजट जो है आपका अपने हिसाब से होना चाहिए, आपको ये मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें लेनी ही है, इट्स ऑल अप टू यू। अपने अकॉर्डिंग आपका जो मंथली बजट है उसके हिसाब से आप अपने फूड का सिलेक्शन करेंगे, इट जस्ट मेक द राइट चॉइसेस। सुपर फूड्स मार्केट में हर जगह होता है, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में ये ऐड करना चाहिए आपको, तो आप ऐड करना। सो मैं अपनी लाइफ में ये ऐड कर रहा हूँ अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से। स्टोरी डाल रहा हूँ एक, आप लोगों को HST10 के बारे में पता ही है, सो बीच बीच में बताते रहना पड़ता है ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, दैट यू नो कहाँ से आप शॉप कर रहे हो, क्या कर रहे हो।
आप लोगों के बेनिफिट के लिए. सो इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो करना मुझे, जो लोग भी अभी नहीं कर रहे हैं. ओके राइट, सो शॉपिंग पूरी डन हो गई हमारी. वेजिटेबल्स हमारे आ गए, फ्रूट्स हमारे आ गए, फ्रोजन स्टफ हमारा आ गया. कुछ कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज रह गए जैसे ओट्स, ब्राउन राइस, वो ऑलरेडी मेरे पास है. मैं आपको पूरा एक बार अपने घर पे ग्रॉसरी पूरा दिखाऊंगा कि क्या क्या मैंने लिया हुआ है. थोड़ा आपको इजी हो जाएगा अपना बजट सेट करने में. उसके ऑप्शंस भी आपको बताऊंगा कि इतने पैसे नहीं है ये खरीदने के लिए तो उसका दूसरा क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है. आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, और अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो डेफिनेटली HST10 को प्रमोट कीजिए, शेयर कीजिए. दिस इज़ अ वेरी क्रेजी प्रोटोकॉल, और आपके किसी इंडियन कोच ने ये प्रोटोकॉल दिया है. सो यू नो, इसको प्रमोट करिए. ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय. सो गाइस, ये शॉपिंग हमारी डन हो गई है. घर पे आ गया हूँ इस वक्त मैं. सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई टेबल में. एक एक करके आपको बताता हूँ क्या क्या आपको ज़रूरत पड़ेगी इस प्रोग्राम में न्यूट्रिशन प्लान के लिए. ओट्स, ब्राउन राइस, अगर आपके पास नहीं है ब्राउन राइस या नहीं लेना चाहते तो वाइट राइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डोंट वरी. मैं ब्राउन राइस खाना पसंद कर रहा हूँ अभी इस वक्त, तो ब्राउन राइस मैंने लिया हुआ है. फ्रूट्स, वेजिटेबल्स मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाई किस तरीके से लेनी है. एंटी ऑक्सीडेंट्स, यू नो, पाइनएप्पल, आपके बेल पेपर्स, ड्रैगन फ्रूट इज़ देयर, आप खा सकते हैं अगर आपको मिलता है तो. कीवी इज़ देयर, ग्रीक योगर्ट, पनीर. वेजिटेरियंस के लिए पनीर रखना बहुत ज़रूरी है. चिकन और मेरे पास फिश भी है, मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई हुई है. एंड सैलेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैरेट्स, क्यूकम्बर्स एंड स्वीट पोटैटोज, बहुत ही इंपॉर्टेंट. सैलेड में आप ब्रोकली भी इस्तेमाल कर सकते हैं सैलेड में, और हमारे पास रेड कैबेज भी है, चाइनीज़ रेड कैबेज. तो ये सारी चीज़ें जब आपके पास रेडी होना तो आप मतलब 50% आपने ये समझ लीजिए कि आपने डाइट सफल कर ली अपने आप. सामान लेके आना ही इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, और जिस तरीके से हम लोग मार्केट में हमने यू नो इतना एक्सप्लोर किया, ये बहुत ज़रूरी है करना. और अक्सर लोग डाइट फॉलो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि बहुत आलसी हो जाते हैं. कौन जाएगा मार्केट, कौन खरीदेगा ये सारे सामान. तो ये थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको. एटलीस्ट हर वीक का सामान आपको लेके आना पड़ेगा. ऑफकोर्स फ्रेश वेजिटेबल्स हैं ये, तो आप इसको महीने के लिए खरीद के नहीं ला सकते. सो एवरी वीक यू हैव टू गो टू द मार्केट एंड गेट ऑल योर स्टाफ डन. ऑलराइट, तो चलिए अब आपको मैं मिलूंगा नेक्स्ट मील वीडियोज़ में, और उसके बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी. ओके, टेक केयर.